हेलो दोस्तों, नमस्ते जी, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग। लेट्स टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज। पिछले कुछ दिनों से जो यूनाइटेड किंगडम के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड कैमरन, वो यूके के पहले पीएम भी रह चुके हैं, उन्हें काफ़ी क्रिटिसिज्म मिल रहा है यूनाइटेड किंगडम के खुद के लोगों से। और वो क्रिटिसिज्म इसलिए मिल रहा है बिकॉज उन्होंने कुछ दिनों पहले एशिया के कुछ कंट्रीज़, 5 कंट्रीज़ में उन्होंने ट्रैवल किया था। एंड रादर देन यूजिंग अ यूजुअल एयरक्राफ्ट, उन्होंने काफ़ी एक्सपेंसिव एक एयरप्लेन को रेंट पे लिया। ब्रिटेन्स फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरन हैज कम इन फॉर अ स्ट्रॉन्ग फ्लैग ओवर हायरिंग अ लग्जरी जेट फॉर हिज रीसेंट सेंट्रल एशिया टूर। And that particular aircraft is considered as one of the most luxurious as well as one of the most expensive aircraft in the world. वो जो travel था वो सिर्फ airplane का खर्चा था उनका करीब करीब 500 करोड़ रुपए। Taxpayers ना खुश हैं यार, इतना जो ज़्यादा पैसा आप use कर रहे हो, this money could have been used for some other purposes as well. लोगों का ये भी कहना है कि David Cameron is traveling like a celebrity and not as a public servant. Well, we will talk about all these stuff and we will also talk about how flying is connected to क्लाइमेट चेंज एंड कैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हिपोक्रिटिकल हो रखे हैं, उनका दोगलापन क्या है व्हेन इट कम्स टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। सो वेलकम बैक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट थ्रू द लास्ट वीडियो। एंड मैं लिंक कर दूंगा टेस्ला वाला वीडियो, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। As per reports was $52 million. Well, but अगर कोई पॉलिटिशियन इतना ज्यादा खर्चा करे तो दैट इज नॉट समथिंग न्यू। आई मीन दिस इज समथिंग जो कि हमने इंडिया में भी देखा है कि इंडिया में भी जितने पॉलिटिशियंस हैं वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े पहनते हैं, और अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके साथ इतनी ज्यादा गाड़ियाँ जाती हैं। तो ऑब्वियसली जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा, जो रिसोर्सेज है देश के, वो हर दिन वेस्ट होते जाते हैं। सो आई विल नॉट फोकस ऑन दिस बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग न्यू और समथिंग विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ, ऑब्वियसली एवरीवन नोज अबाउट इट। रादर आई विल टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज कि कैसे जो फ्लाइंग है वो वन ऑफ द मोस्ट कार्बन इंटेंसिव मोड ऑफ ट्रैवल है। एंड जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके जो लीडर्स हैं, चाहे वो प्रेजिडेंट्स हों या प्राइम मिनिस्टर्स हों, उनका क्या हिपोक्रेसी है पुअर कंट्रीज़ को लेके रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, और उनका कैसे दोगलापन सामने आता है। सो दोस्तों, आपने टीवी में, न्यूज़ में काफ़ी बार देखा होगा कि जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं ये साल में काफ़ी बार मिलते हैं एक दूसरे से, ग्लोबल समिट्स होते हैं, एनवायरमेंट पे समिट्स होते हैं, और ये सभी वर्ल्ड लीडर्स मीडिया के सामने स्टेज पर चढ़ के एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसा वादा करते हैं कि हम अब से ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे, जो कार्बन हम एमिट कर रहे हैं एनवायरमेंट में वो कम करेंगे। लेकिन द फनी पार्ट इज़ कि हालांकि ये सब वादा कर रहे हैं, लेकिन ये सभी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो अपने अपने प्राइवेट जेट्स में वहाँ पे आते हैं, अपने अपने वहाँ चार्टर जेट्स में आते हैं, इतने ज़्यादा अपने साथ व्हीकल्स लेके आते हैं, और वो खुद ही इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, और उसके बाद अंदर आके मीडिया के सामने और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो ये सब वादे कर रहे होते हैं। और वी हैव गॉट एन इनक्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड इन डीकार्बनाइजिंग इन द यूके फास्टर देन एनी अदर मेजर इकोनॉमी, वी शुड बी रियली प्राउड ऑफ दैट एंड आई विल बी प्राउड ऑफ दैट रिकॉर्ड एट माय मीटिंग्स लेटर टुडे। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो गरीब देश है, जिन लोगों के पास जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मीट करने के लिए भी अगर पैसा या रिसोर्सेज नहीं है, ये कंट्रीज उन लोगों से भी वादे कराते हैं, उन लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कंट्रीज भी अब ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए ताकि वो भी कार्बन एमिशन को कम करें। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज कि जितने भी गरीब देश हैं उन लोग के पास बेसिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोड्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, या हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और जब उन देशों से आप ऐसा एक्सपेक्ट करने लगेंगे कि भाई अब आप भी कोल का जो प्लांट है उसे छोड़ दीजिए, या जो न्यूक्लियर पावर्ड स्टेशन आप उसे छोड़ के आप अपना सोलर का एक प्रोजेक्ट लगाइए, विंड का प्रोजेक्ट लगाइए, तो ऑब्वियसली ये काफ़ी हिपोक्रिटिकल बात है बिकॉज वो जो एक बेसिक जो एक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है वो तो मीट हो नहीं पा रही है, और आप ऊपर से उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप जो ये बेसिक जो एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ है अब आप उनको भी अडॉप्ट कीजिए। और अब होता क्या है कि ऑब्वियसली ये देश प्रेशर में आके प्रोमिसज तो कर जाते हैं, लेकिन जब पैसा नहीं होता तो डिमांड पूरी नहीं हो पाती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, और इसका फ़ायदा उठाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़। वो फिर क्या करते हैं कि इन सभी गरीब देशों पे सैंक्शंस लगा देते हैं, और सैंक्शंस लगने के बजाय ये जो गरीब देश है वो गरीब ही रह जाता है, या फिर इवन अगर वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं इन गरीब देशों को तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। और दिस इज़ विच आई फील इज़ अ न्यू वे ऑफ कलोनियलिज्म, दिस इज़ बेसिकली वट वी कैन कॉल एज ग्रीन कलोनियलिज्म। तो अब अगर हम नंबर की बात करें तो अगर यूरोपियन यूनियन को कंपेयर किया जाए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से तो यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन आधे से भी कम है एज कम्पेयर टू अफ्रीका, लेकिन जो उसका जो कार्बन एमिशन है वो डबल से ज़्यादा है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स और अगर इंडिया की बात करें तो जो यूएस का पॉपुलेशन है
दैट इज ऑलमोस्ट जस्ट 25-30% ऑफ टोटल इंडियाज पॉपुलेशन. फिर भी जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो कार्बन एमिशन है दैट इज मच मोर हायर देन दैट ऑफ इंडिया. तो एक बात हमें यहाँ समझना पड़ेगी कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना या जो कार्बन एमिशन है उसको कम करने का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आप सिर्फ एक ये जो कन्वेंशनल मेथड है उनको छोड़ के रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स पे आ जाइए. Africa 650 million people don't have electricity, don't have access to power, don't have access to an industry. People who would otherwise have been very productive if they'd had the means, if they had the capital. It's really important that we don't lose sight of these people in our bid to grow our economies and become more industrialized. Uska dusra pehlu ye bhi hai ki jitne bhi gareeb desh hai, at least you should ensure ki wahan pe jo log hai unki bhi to energy demands meet hona chahiye na. Aisa nahi hona chahiye na ki aap सिर्फ एक अपना टेक्नोलॉजी बनाए जा रहे हो, आप उसमें एडवांस हो जा रहे हो, आप उसमें रिसर्च एंड डिज़ाइन में भी आप इतना ज़्यादा पैसा डाल दे रहे हो और जो पुअर कंट्रीज हैं उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं है. तो आप मतलब यहाँ आपने पहले तो अपना कोल और न्यूक्लियर लगा के पूरा पोल्यूट कर दिया, अपना एनर्जी डिमांड भी पूरा कर दिया और जब इन लोगों की बारी आई कि भाई हम भी अब वो करना चाहेंगे तब आप इन लोगों पे सैंक्शंस लगा दे रहे हो. अब ये लोग वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं. अब अगर हम एक और बात करें तो जो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप है ये लोग ये सब बातें करते हैं कि कौन से फ्यूल को हटा देना है, कौन से फ्यूल को फेज आउट कर देना है. अब इन लोगों के पास तो ऑयल एंड गैस बहुत ज़्यादा है तो ये लोग उसको तो ट्राई करते हैं कि वो तो चलता रहे, लेकिन जैसे इंडिया और चाइना के पास कोल ज़्यादा है, ऑयल एंड गैस कम है. अब ये कंट्रीज़ बात करते हैं कि जो इंडिया और चाइना के पास जो कोल है उसका यूज़ कम से कम हो एंड ऑयल और गैस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो. तो प्रेशर आता है देन चाइना और इंडिया पे कि यार हमारे पास जो रिसोर्सेज ज़्यादा है जिससे हम ज़्यादा बिजली बना सकते हैं आप उसको तो बैन कर रहे हो और जो अपनी कंट्रीज़ के पास जो जो तुम्हारे खुद के पास जो रिसोर्सेज आप उसे प्रमोट किए जा रहे हो. अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कोल ज़्यादा पोल्यूट करता है एनवायरनमेंट को और गैस कम पोल्यूट करती है, जो कि सही बात है. लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोप को ज़्यादा पावर चाहिए, वो लोग वैसे भी ज़्यादा दुगना से भी ज़्यादा पावर यूज़ कर रहे. तो अगर आप गैस का इस्तेमाल कर रहे हो वो दुगना पावर को जनरेट करने के लिए तो भी आप उतना पोल्यूट तो आप भी कर ही रहे हो. सो दिस इज़ समथिंग जो कि ये हिपोक्रेसी बार बार उन लोगों का जो दोगलापन है वो बार बार दुनिया के सामने आता है. जो नॉर्वे है उसने तो हद ही कर दिया. वो तो क्या करता है कि उसके खुद के पास ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, अपना तो खुद का गैस का प्रोडक्शन बढ़ाए जा रहा है अपने देश में, लेकिन वो उसी टाइम ही जो वर्ल्ड बैंक है उसको बोले जा रहा है, उस पर प्रेशर बना रहा है कि जो एशियन और जो अफ्रीकन कंट्रीज जो गैस का इस्तेमाल करके एनर्जी बना रही है आप उन्हें बैन कीजिए, आप उन पर सैंक्शंस लगाइए. देखिए एक चीज़ यहाँ पे एक और भी है कि कुछ लोग ऐसा कहना है कि जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसका हर यूनिट का जो कॉस्ट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ गेटिंग जनरेटेड थ्रू कोल और सम अदर कन्वेंशनल मेथड. ये बात सच है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी समझनी पड़ेगी कि अगर आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो एक कोल पावर्ड प्लांट से तो वही 100 यूनिट्स अगर आपको एक सोलर प्लांट से या विंड प्लांट से करनी है तो आपको करीब 3-4 गुना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको डेवलप करना पड़ेगा. बिकॉज ऑब्वियसली सूरज जो है वो 24 घंटे तो होता नहीं है, वो सिर्फ 12 ही घंटे रहता है और कुछ कुछ कंट्रीज़ में तो वो पूरे एग्जैक्टली 12 घंटे भी नहीं रहता. जो विंड है वो पूरे टाइम नहीं चलती है. तो अगर आपको उतना ही अगर 100 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है देन ऑब्वियसली यू विल हैव टू डेवलप मोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन रिन्यूएबल सेक्टर और उसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए होगा. सो टू कंक्लूड आई मीन ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव एनी फ्यूचर इफ वी कॉन्टिन्यू एमिटिंग ग्रीन हाउस गैसेज एंड इफ वी कॉन्टिन्यू डैमेजिंग आर एनवायरमेंट. लेकिन अगर हम अपने जो एम्बिशंस हैं उसको अगर जो गरीब देश के जो लोग हैं अगर उनकी डिमांड्स ना पूरा करके हम सिर्फ हमारे में ही लगे रहें या जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो सिर्फ अपने में ही लगे रहें देन डैट इज़ समथिंग विच आई फील इज़ अनजस्ट एंड डैट इज़ ऑब्वियसली नॉट वर्थ इट. सो आई होप डैट ऑल अदर कंट्रीज सी थ्रू द हिपोक्रेसी ऑफ वेस्टर्न लीडर्स कि वो लोग कैसे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं और जब बाकी देशों की बारी आती है उनके लेवल पर पहुँचने के लिए एटलीस्ट उनके थोड़ा सा भी करीब आने के लिए तो वो कैसे एक नए नए रूल्स लगा देते हैं, नए नए रेगुलेशंस लगा देते हैं, नई सैंक्शंस लगा देते हैं. जैसे इंडिया जब पोखरण में जब न्यूक्लियर टेस्ट करी थी तब इंडिया पे भी सैंक्शंस लगा दिए गए थे. आई मीन आप खुद बनाओ, आपने खुद ने एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली तो वो एकदम ही बढ़िया और जब हमारी करने की बारी आई तब आपको उससे दिक्कत होती. सो आई होप दैट यू हैव गॉट सम आइडिया कि कैसे जितने भी ग्लोबल समिट्स होते हैं, कितने भी जैसे एनवायरमेंटल रिलेटेड समिट्स होते हैं वहाँ पे कैसे दोगलापन दिखता है इन सभी वेस्टर्न लीडर्स का. सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब.